नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रवीण मिश्रा के साथ ब्रजेश पटेल की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। नोडल अधिकारी के निरीक्षण में CSC इकोना ऑल इज वेल। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के प्रभारी को व्यवस्था सुधारने का निर्देश। प्राथमिक विद्यालय नत्थापुरवा में पानी की टंकी रखवाने के लिए ADM को निर्देश। शुक्रवार को जिले की नोडल अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। दोपहर 1 बजे नोडल अधिकारी डॉक्टर अलका वर्मा एवं गीता सिंह क्षेत्रीय ANM एवं आशा बहुओं के साथ एक बैठक कर शिशु जन्म एवं मृत्यु दर से संबंधित तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं तथा डायरिया, वायरल डायरिया आदि में लगने वाले टीके संबंध में जानकारी दी, जिसमें कई ANM एवं आशा बहुओं के संतोषजनक जवाब न दे पाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने दोबारा प्रशिक्षित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश मातन हेलिया को निर्देशित किया तथा कन्या सुमंगला योजना का व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रसव कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड, लेबर रूम आदि का निरीक्षण किया और मरीजों तथा उनके तीमारदारों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें सब कुछ ऑल इज वेल मिला। इसके बाद नोडल अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर AK मिश्रा की जमकर तारीफ की। इससे पूर्व नोडल अधिकारी ने भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर संचालित कोर्सों एवं वहां से प्रशिक्षित छात्र छात्राओं के नियुक्ति के बारे में भी जानकारी ली, जहां प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के प्रभारी कोई भी सही जानकारी नहीं दे सके। शौचालय में गंदगी देख नोडल अधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र सुधार के निर्देश दिए तथा शाम तक सभी अभिलेख अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय दत्तापुरवा का निरीक्षण किया गया, जहां पर छात्र छात्राओं के शैक्षणिक गुणवत्ता से नोडल अधिकारी संतुष्ट दिखी। हालांकि शौचालय में पानी की टंकी की व्यवस्था न होने पर अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडे को शीघ्र ही पानी का व्यवस्थापन कराने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रधान अध्यापिका श्रीमती मिथिलेश मिश्रा के शैक्षणिक कार्यों की तारीफ की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव, प्रभारी निरीक्षक RK शुक्ला, चौकी प्रभारी अनिल कुमार दीक्षित समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।